हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जेडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या होगा आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को जानते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी मीडिया न्यूज की अगर माने तो मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो शायद अब किसी बैंक के साथ मर्ज होने वाला है। इसके अलावा ये भी खबरें उठ रही हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अब प्राइवेट हाथों में जाने वाला है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बैंक में होने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर रुक करते हैं। तो आज की तारीख में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब जिसे हम टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, उसके ऊपर आपको कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाव पर मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको कितनी जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं क्या है सारा प्रोसेस और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आज की तारीख में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आपको पता है कि ब्राउजर में गूगल ओपन करके उसमें सर्च करना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जैसे ही आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई देने लग जाएगी। आपको जस्ट केवल से ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों टॉपिक आपको पता है क्या है, ये जानना कि टर्म डिपॉजिट के ऊपर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे ही राइट हैंड साइड देखेंगे ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट्स, अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करके देखिए मेन्यू को ओपन कर लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन आ रही है डिपॉजिट स्कीम, आपको नौ मोर पे सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप नौ मोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट रेट्स ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट WEF 8 जनवरी 2021, यानी कि 8 जनवरी 2021 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए थे। तो देखिए, जैसे हम नीचे आते हैं तो टेबल हमारे सामने है। सबसे पहले बात है लेस देन RS 2 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो हम मोस्टली इसी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते हैं क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो 2 करोड़ से नीचे की ही FD करवाना पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल आपके सामने है। सबसे पहले 7 से 45 दिन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 2.75%, 46 से 90 दिन के लिए 3.25%, उसी तरह 91 से 119 दिनों के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.50%। बाकी दोस्तों देखिए, मोस्ट पॉपुलर FD 365 डेज, जिसे हम 1 ईयर की फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4.90। जी हाँ दोस्तों, एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट बैंक तो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि आपको अदर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में मिल जाता है।
ठीक है दोस्तों। बाकी रही बात कैलकुलेशन की, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जान लिए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से एफडी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, एफडी कैलकुलेटर आपके सामने है। मान लीजिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4.90, और जो टाइम पीरियड है वो है जी 1 साल का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 24,954 रुपीज, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 5,24,954 रुपीज। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर आप 2 साल की सोच रहे हैं तो देखिए, जैसे ही मैं 2 साल टाइम पीरियड करता हूं तो क्या होगा, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल जाएगा, 51,153 रुपीज, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो है 5,51,153 रुपीज। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से, उनके बारे में जान लिया, और ये भी जान लिया कि अगर आप आज की तारीख में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अगर आप 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो मिलेगी। सो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही है दोस्तों जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।